hello students so going to the lecture 14 of structure of atoms starting with the lecture 14 in lecture 13 we have covered up the topic that is the quantum numbers okay so there were four sets of quantum numbers principal quantum number denoted by small n then azimuthal quantum number denoted by small l then magnetic quantum number denoted by ml or you can say m also simple and your spin quantum number denoted by ms or m so the sum of the four quantum numbers provide us the following information: N describes the shell and L describes the sharp shell. ml describes the orientation of the orbital and ms refers to the orientation of the spin of the electron that we have got to know. Okay? So now, on the basis of this, a scientist came forward that is Pauli exclusion principle you can say,

For this there is a guiding principle known as Pauli's exclusion principle. Now what does this Pauli exclusion principle states? It states that no electrons in an atom can have same values for all the four quantum numbers. <coughs> he said that ki no electrons in an atom can have same values for all the four quantum numbers. सो दिस प्रिंसिपल ये जो प्रिंसिपल है, है हम कैसे अंडरस्टूड कर सकते हैं हम इजीली अंडरस्टूड कर सकते हैं इफ वी हैव लर्न दैट एन ऑर्बिटल इज स्पेसिफाइड बाय दिस थ्री क्वांटम नंबर्स एन एल एंड एम ठीक है नो सिंस एन इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल मस्ट द सेम वैल्यूज ऑफ एन एल एंड एम इट फॉलोज दैट इट कैन हैव टू वैल्यूज ऑफ एस आईदर इट कैन हैज प्लस हाफ और इट कैन हैज माइनस हाफ ठीक है वट आई एम ट्राइंग टू से कि ये प्रिंसिपल हम इजीली कैसे समझ सकते हैं कि हमें पता है एक ऑर्बिटल्स के पास सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स है स्पेसिफाइड सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स है ना एन एल एम उनकी एक पर्टिकुलर वैल्यूज़ होती है वैसे ही जो पर्टिकुलर स्पिन है उसकी दो वैल्यूज़ हो सकती है आइधर प्लस वन आइदर माइनस वन और यू कैन से इन अदर वर्ड्स एन ऑर्बिटल कैन हैव एट द मोस्ट टू इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइडेड दर स्पिन क्वांटम नंबर्स आर डिफरेंट ठीक है जैसे एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ कि इफ यू कंसिडर्ड के शल वेर एन इज इक्वल टू वन अब एन वन है तो एल क्या होगा एल कैसे फाइन करते हो एन माइनस वन सो एन माइनस वन मीन्स वन माइनस वन जीरो तो एल की वैल्यू रेंज क्या होगी जीरो ठीक है एल की वैल्यू रेंज कहाँ से होती है वैन एज जीरो टू एन माइनस वन तो आपको तो एन माइनस वन क्या मिल रहा है जीरो तो एल की वैल्यू रेंज क्या है ज़ीरो नाउ एंड वन वैल्यू ऑफ़ एम की वैल्यू कैसे फाइंड करते हो आप एल your... <coughs> oh, की मदद से फाइंड करते हो दैट इज टू एल प्लस योर सॉरी हाउ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ एल एल की वैल्यू हम कैसे फाइन करते थे एम एल की दैट इज टू एल प्लस वन ऐसे हम फाइंड करते थे तो अगर एल जीरो है तो एम की वैल्यू कितनी आनी चाहिए ए की वैल्यू आनी चाहिए तो एम की वैल्यू भी क्या होगी जीरो So, but it can have either two values of spin, na? either it can have plus half or minus half. So, in short, how can I say that if n is 1, l is 0, m is 0, s can be plus half. If n is 1, l is 0, m is 0, s can be minus half also. So, this leads to a conclusion that. एंड ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन्स इससे हमको क्या कंक्लूजन मिला पॉली एक्सक्लूजन के अकॉर्डिंग कि एक ऑर्बिटल के पास मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो से ज़्यादा आप इलेक्ट्रॉन्स फिट नहीं कर सकते सो मोर ओवर इफ एन ऑर्बिटल हैजू इलेक्ट्रॉन्स देर मस्ट भी अपोजिट्स बिन दैट इज प्लस हाफ या फिर माइनस हाफ एक क्लॉक वाइज होना चाहिए और एक एंटी क्लॉक वाइज सो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ऑल्सो स्टेट्स दैट एंड ऑर्बिटल कैन कंसिस्ट ऑफ मैग्जिम ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स ठीक है ऑर्बिटल हम कैसे बनाते हैं अभी आगे हम पढ़ेंगे एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल तो सिंपल जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखेंगे तो ऑर्बिटल्स को बॉक्स से बोल लिखेंगे एंड वॉट इज़ पॉली सेट कि एक ऑर्बिटल जो है उसमें मैगजिम दो ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं एक एक मिनट ये ऑर्बिटल है तो इसमें मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं एक प्लस हाफ होगा एक माइनस हाफ और इलेक्ट्रॉन्स का रिप्रेजेंटेशन हम एरो से कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स कभी भी सेम स्पिन में नहीं हो सकते ही सेट दैट ठीक है ये हम आगे भी रूल स्टडी करेंगे बट पॉली के रूल से हमें क्या पता चला कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं दो से ज़्यादा नहीं वन ऑफ अदर स्पिन एंड वन ऑफ अदर स्पिन ओके Now, फॉर एग्जाम्पल द बो डिस्कशन की एक इलेक्ट्रॉन जैसे हम आगे पढ़ेंगे शेल्स क्या होते हैं एस सब्शिल क्या है पी सब्शिल क्या है डी सब्शिल क्या है एफ सपशिल क्या है हम डिटेल में स्टडी करेंगे खाली अभी याद रखो कि एस सबशल कंटेन्स only वन ऑर्बिटल इट हैज़ वन ऑर्बिटल एक ही बॉक्स होता है तो एक बॉक्स में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं दो वैसे ही पी सब्शेल में तीन होते हैं पी सब्शल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं ऐसे

तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं दो तो फिर f के कितने ऑर्बिटल्स हैं सेवन तो उसमें कितने आएंगे 14 ठीक है ऑर्बिटल्स को ऐसे स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया जाता है सो डस इट मे बी कंक्लूडेड दैट दिस इज द कंक्लूजन दैट नंबर ऑफ सबशेल इन nth शेल इज इक्वल टू n कैसे सबशेल फाइंड कर सकते हो n इज इक्वल टू एन वो आपको शेल की मदद से आप सब्सल बता सकते हो एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सब्सल इज इक्वल टू टू एल प्लस वन ठीक है तो अगर एल पता है तो हम सब्शेल फाइंड कर सकते हैं जैसे एल जीरो है तो सब्शेल क्या आ जाएगा टू जीरो से जीरो वन तो मतलब क्या है वो वन वन ऑर्बिटल मतलब एस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब्शेल कैसे फाइंड कर सकते हो टू इन टू टू एल प्लस वन वॉट इज द फॉर्मूला फोर एल प्लस टू जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्या बोल रही हूँ आप इनकी मदद से क्या बता सकते हो किलबिटल एल के ऊपर डिपेंड करता है ठीक है चलो एग्जाम्पल के थ्रू तो आपको समझाती हूँ अगर मेरा एन वन है एंड मेक श्योर दिस ऑल्सो इट मे बी नोटेड दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच सब एक ईच सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो उसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड नहीं करता ठीक है ऐसा नहीं कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वन है तो नंबर ऑफ ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल विल बी वन नो ठीक है नो वॉट आई एम सेन वन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वन है तो एल क्या होगा एन माइनस वन एल विल बी जीरो तो एम की वैल्यू भी क्या मिलेगी एक ही मिलेगी ठीक है वो वैल्यू रेंज हम कैसे पता कर सकते हैं एम की वैल्यू रेंज कैसे फाइंड कर सकते हैं टूएल प्लस वन तो अगर एल जीरो है तो एम की वैल्यू वन ही होनी चाहिए तो वो वन वैल्यू किसकी होगी इज इक्वल टू जीरो तो जीरो आया जीरो है ठीक है सो दैट मीन्स एन वन है मतलब कौन सा शेल होगा शेल ना क्वांटम नंबर वन मतलब शेल आपको मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में बताया था सो वन एस सबसेल आपको ये एल से आपको सबशेल ये सब भी पता चलता है आपको पता है ना एल की वैल्यू जीरो मतलब एस होगा ऑर्बिटल एल की वैल्यू अगर वन है तो पी ऑर्बिटल, एल की वैल्यू टू है तो डी ऑर्बिटल एल की वैल्यू फो सॉरी थ्री है तो एफ ऑर्बिटल एंड सो ऑन ठीक है सो वॉट इज ट्राइंग टू से एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन्स ठीक है अब अगर एन टू है तो एल एक केस में ज़ीरो हो सकता है ना ठीक है एल की वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी एन माइनस वन दैट इज़ एन माइनस वन इज़ हाउ मैनी टू माइनस वन वन तो एक जीरो और वन जीरो से रेंज होती है ना वैल्यू रेंज याद है ना आपको मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में बताई थी कि एल की वैल्यू रेंज होगी जीरो टू एन माइनस वन ठीक है तो एल की रेंज क्या हो गई एक तो जीरो होगी होगी और एक टू माइनस वन दैट इज वन मतलब जीरो और वन ठीक है तो एम एम क्या हो गया इक्वल टू तो जीरो पहले वाले केस में तो टू इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना उसमें क्योंकि एक ही सबशेल आएगा एल जीरो तो मतलब एस है और एस में मैक्सिमम एक ही ऑर्बिटल है तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं दो इलेक्ट्रॉन ठीक है अभी अगर मैंने एल ले लिया एल इक्वल टू वन दूसरा वैल्यू रेंज तो एल वन मतलब एम एल की वैल्यू रेंज कितनी आएगी आपकी एल वन है तो एम एल की वैल्यू रेंज क्या होगी टू एल प्लस वन सो दैट इज टू वन जू वन प्लस टू थ्री मतलब तीन वैल्यू रेंज होनी चाहिए तो तीन वैल्यू रेंज कौन सी होगी एक माइनस वन जो एल की है क्योंकि इसके रेंज आपको पता है ना एम एल की रेंज कितनी होती है माइनस एल ज़ीरो टू प्लस एल दिस इज द वैल्यू रेंज तो एल की वैल्यू क्या है माइनस वन तो माइनस वन जीरो एंड प्लस वन आर द थ्री यस मुझे तीन सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर मिले ना इसमें एम एल के ठीक है सो एक कितने ऑर्बिटल्स आ गए आपके पास टोटल तीन ऑर्बिटल ये आपको ऑर्बिटल्स बताता है एम एल क्या बताता है आपको कितने ऑर्बिटल्स है तो मुझे कितने ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं थ्री ऑर्बिटल्स तो थ्री ऑर्बिटल्स मतलब मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं एक ऑर्बिटल में दो तो तीन ऑर्बिटल में सिक्स तो टोटल सिक्स प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स तो टोटल एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं एट और आपके टोटल ऑर्बिटल्स कितने हो सकते हैं फोर ठीक है नेक्स्ट अगर मैंने एन की वैल्यू थ्री ली तो मतलब वो एम शेल है तो एन की वैल्यू थ्री है तो एल की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाएंगी जीरो वन और टू दैट इज लाइंग फ्रॉम एल की वैल्यू रेंज जीरो टू एन माइनस वन तो जीरो एन माइनस वन मतलब क्या होगा टू माइनस वन सॉरी थ्री माइनस वन टू मतलब जीरो वन और टू और एम एल की क्या हो जाएगी वैल्यू रेंज वो आपको पता है एल ज़ीरो uh, आया मतलब थ्री एस होगा क्योंकि थर्ड ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आगे लिख देते हैं ठीक है हमेशा याद रखना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आगे लिखते हैं और एस उसका सबशेल तो एस थ्री एस सबशेल एक ही ऑर्बिटल होगा ना एम की वैल्यू जीरो मतलब ओनली वन ऑर्बिटल एम सेज यू द ऑर्बिटल हाउ मेनी ऑर्बिटल जीरो मतलब एक ही ऑर्बिटल तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं टू इलेक्ट्रॉन्स अगर एल की वैल्यू मैंने वन ले ली तो एम एल का वैल्यू रेंज क्या हो जाएगा माइनस वन जीरो एंड प्लस वन तीन ऑर्बिटल्स आ गए और एल वन है तो कौन सा सबसेल हो जाएगा पी ना एल वन होता है मतलब पी और क्वांटम नंबर सेम थ्री सो थ्री ऑर्बिटल्स एंड तीन ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं सिक्स वैसे ही अगर एल टू है तो कौन सा एल टू मतलब डी आएगा एंड क्वांटम नंगर आगे दैट इज़ थ्री डी सबसेल ऑर्बिटल्स कितने आ जाएंगे वैल्यू रेंज क्या हो जाएगी एम एल की 2l प्लस वन तो टू 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 जा फोर फोर प्लस वन फाइव मतलब पाँच वैल्यूज़ मिलनी चाहिए मतलब पाँच ऑर्बिटल्स होंगे सो वैल्यू रेंज क्या होती है माइनस एल टू प्लस एल इंक्लूडिंग ज़ीरो सो माइनस वन माइनस टू माइनस वन ज़ीरो प्लस वन एंड प्लस टू सो हाउ मनी ऑर्बिटल्स यू आर गेटिंग फाइव ऑर्बिटल्स सो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे पाँच ऑर्बिटल में टेन क्योंकि एक ऑर्बिटल में दो तो फाइव टू जा टेन सो टोटल ऑर्बिटल्स कितने हो गए इसमें के एम शेल में नौ no. और इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए एटीन आपने बेसिक्स ये नाइन्थ में पढ़ा है ना टू एन स्क्वायर के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम फाइन करते थे तो के शेल में मैग्जिम टू एन स्क्वायर मतलब के का वैल्यू वन है तो वन स्क्वायर तो टू इलेक्ट्रॉन्स तो हम लोग को के में टू इलेक्ट्रॉन्स ही मिल रहे राइट right? एल में मतलब टू एन स्क्वायर होता था तो टू इंटू टू दी होल स्क्वायर एट तो टोटल एट इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं एल में सेम वे इसमें एटीन आ रहे हैं तो एन में कितने होने चाहिए टोटल थर्टी टू ठीक है एज आई हैव डिस्कस ऑल्सो अगर कोई जो मेरे स्टूडेंट्स होंगे मैंने डिस्कस भी किया था कि आप लोग बोलते थे मैम के एल और एम एन तो के में अगर टू है तो हम लोग वहाँ पे टू भरते थे एल में टोटल एट है यस आउटर मोस्ट में एट भरते थे बट एल एम uh, और एन में हम एट एटी कर भरते थे बट उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितने की होती थी एटीन इलेक्ट्रॉन्स एंड दूसरे एल की एन की कितनी होती थी थर्टी टू बट वी यूज टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ एनी आइटम इन दिस फॉर्म राइट के एल एम और एन इनिशियली आप नाइन्थ और टेंथ में ऐसे लिखते थे के की मैक्सिमम कैपेसिटी टू एल की मैक्सिमम कैपेसिटी एट इसके भी मैक्सिमम एट 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 बट इसमें एक्चुअली कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते टोटल एटीन और थर्टी टू तो रेस्ट इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाते थे आप मुझसे पूछे थे ना मैम वेर डज द रेस्ट इलेक्ट्रॉन्स गो सो द आई यूज टू से दैट कि द रेस्ट इलेक्ट्रॉन्स गोज इन टू द सबशेल्स सो दिस आर द सब शिल्स ठीक है सो ये आपको क्लियर है सो so नेक्स्ट क्या था एन शेल एन में फोर वैल्यू हो जाएगी आगे सारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स फोर होंगे अब एन फोर है तो एल की कितनी वैल्यूज होंगी एन माइनस वन दैट इज फोर माइनस वन थ्री तो l जीरो हो सकता है l वन भी पॉसिबल है l टू भी पॉसिबल है और l थ्री भी l ज़ीरो मतलब s l वन मतलब p l टू मतलब d l थ्री मतलब f और आगे उनका क्वांटम नंबर्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो फोर एस फोर पी फोर डी एंड फोर एफ तो एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी एल ज़ीरो तो एम की वैल्यू भी जीरो मतलब एक ऑर्बिटल एल वन तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस वन जीरो प्लस वन मतलब थ्री ऑर्बिटल्स एल टू तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन एंड प्लस टू फोर डी मतलब पांच ऑर्बिटल्स होंगे माइनस थ्री माइनस टू वन जीरो प्लस वन प्लस टू एंड प्लस थ्री तो इसकी मदद से हमको पता चलता है कि इन ऑर्बिटल डी शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं एफ शेल में कितने ऑर्बिटल्स आ सकते हैं तो टोटल सेवन ऑर्बिटल्स याद रखना तो टोटल अगर ऑर्बिटल्स को काउंट करो सेवन प्लस फाइव प्लस वन हाउ मेनी टोटल ऑर्बिटल्स यू गेट सिक्सटीन टोटल ऑर्बिटल्स एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स टू सिक्स टेन एंड फोर्टीन तो टोटल थर्टी टू इलेक्ट्रॉन्स सो दिस जस्टिफाइज और यू कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस दैट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन शेल कैन बी तो देर फॉर इट मे बी कंक्लूडेड दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ईच शेल इज़ एन स्क्वेयर मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ईच शेल विल बी एन स्क्वेयर n का होल स्क्वायर ऑर्बिटल्स जैसे इधर वन दी होल स्क्वायर तो ऑर्बिटल कितना था वन एक ही ऑर्बिटल था टू टू दी होल स्क्वायर आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल बता रहे तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो टू 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 जा ज फोर तो टोटल यहां पे कितने ऑर्बिटल्स थे एल में फोर अगर एन थ्री है तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे थ्री थ्री जी दी होल स्क्वायर नाइन ऑर्बिटल्स समझ में आया कैसे डायरेक्ट कंक्लूजन आपको डायरेक्ट कॉम्पिटेटिव या फिर एम सी के क्वेश्चन में फाइंड करना है तो कि इफ़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज फोर हाउ मेनी पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्बिटल तो एन स्क्वायर ठीक है सो यहाँ पे क्या था एन फोर है तो फोर फोर जाए सिक्सटीन तो टोटल सिक्सटीन ऑर्बिटल्स आया तो सेम वे हम इलेक्ट्रॉन्स भी फाइंड कर सकते हैं सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल कैन बी टू एन स्क्वेयर ठीक है सो दिस वे यू कैन फाइंड एज यू कैन सी शेल नंबर एन वन n 2, n 3, n 4. the number of orbitals k 1, agar 2 hai to 4, 3 h 9, 4 hai to 16, or electrons 2 n square. So maximum number of electrons in k shell 2, maximum number of electrons 8. So this is the method to find number of shells and orbitals in the shells and this is the method to find the number of electrons. I hope this is clear. So let us do the numericals related to it. लिस्ट ऑल द वैल्यूज ऑफ एल एंड एम फॉर एन इज़ इक्वल टू टू सो कैन यू डू इट जस्ट ट्राई करो कर सकते हो क्या क्या बोला है एन की वैल्यू टू तो एल की वैल्यू प्रिडिक्ट करनी है एल की वैल्यू क्या होगी एन माइनस वन दैट इज टू माइनस वन तो वन वैल्यू रेंज क्या होती है एल की वैल्यू रेंज पूछा है ना तो जीरो टू एन माइनस वन तो जीरो और वन मिला एल की वैल्यू एल यू गैट टू वैल्यू सेम वे एम एल की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं टू एल प्लस वन तो टू वन जो प्लस वन तो टोटल थ्री और एम एल का वैल्यू रेंज क्या होता है दैट इज दिस इज माइनस वन ज़ीरो एंड प्लस वन दैट इज़ माइनस एल ज़ीरो और प्लस एल होता है ना तो तीन मिले वैल्यूज तीन वन टू थ्री समझ में आया तो अगर आप देखोगे तो मैंने सॉल्व करके भी रखा है सेम वे तो वेन एन इज़ इक्वल टू टू एल विल भी एन माइनस वन सो एल इज़ वन सो द वैल्यूज़ ऑफ़ एल विल बी ज़ीरो एंड वन तो अगर एल ज़ीरो है एम एल भी ज़ीरो होगा क्योंकि एम एल की वैल्यू रेंज क्या होती है फ्रॉम दैट ठीक है तो सेम वे अगर एल वन है तो एम एल की वैल्यू क्या होगी माइनस वन ज़ीरो एंड प्लस वन ठीक है क्स्ट क्वेश्चन यूजिंग द एस पी डी नोटेशन डिस्क्राइब द फॉलोइंग क्वान्ट सिंपल आपको एस पी डी नोटेशन देना इन ऑर्बिटल का तो सिंपल एन वन एन वन है और एल जीरो तो पहले तो यह लिख लेने का कहीं भी जीरो वन टू थ्री फोर एंड सो वन जीरो मतलब एस नोटेशन वन मतलब पी एल की वैल्यू अगर टू है तो मतलब डी एल की वैल्यू थ्री है मतलब एफ एल की वैल्यू फोर है तो जी ठीक है अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आगे आता है हमेशा याद रखना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम आगे लिखते हैं तो इसको नोटेशन देना है तो नोटेशन इन द सेंस ऑर्बिटल पूछ रहे सो एन वन है और एल जीरो है मतलब कौन सा ऑर्बिटल एस एन एस वन एस ऑर्बिटल उसका आंसर समझ आया अब एन थ्री है और एल टू है एल टू मतलब कौन सा ऑर्बिटल होता है डी थ्री डी ऑर्बिटल ये पूछा है आपसे कि कौन सा ऑर्बिटल है उसको नोटेशन देना है सिंपल ठीक है नेक्स्ट ट्राई करो एन इजिकल टू थ्री एल इजिकल टू वन तो थ्री तो एज इज आगे लिखेंगे अब एल वन है मतलब कौन सा है पी ऑर्बिटल तो नोटेशन पूछा जाए अगर क्वांटम नंबर और एजी मुथल दिया है तो नोटेशन आप ऐसे दे सकते हो अब एन फोर है और एल थ्री है एल थ्री मतलब क्या हो जाएगा एफ और फोर एज इट इज फोर एफ और बिटल सो ये फर्स्ट का आंसर ये सेकेंड का आंसर ये थर्ड का आंसर और ये फोर्थ का आंसर समझ में आया हाउ टू गिव द नोटेशन ठीक है एन आपको क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है एनर्जी ऑफ द शेल और आपको शेल का बताता है और आपको एल आपका एजिमुतल क्वांटम नंबर सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू इसके बेसिस पे एन में क्वेश्चंस दिए हैं आप वो सॉल्व करेंगे एंड फ्राइडे आई विल बी टेकिंग योर लाइव डाउट क्लियरिंग क्लासेस रिगार्डिंग दिस टॉपिक ओके थैंक यू